इसी तरह इसमें सारी चीज़ें ऐड करनी है जो हमने लबड़ को सर्व करना है। इसको भी यही साफून जावा को भी देंगे, जावा को यही देंगे, वो भी ये बहुत शौक से खाएगी। ब्लैक आइज में से रेड आइज बच्चा निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। ये पेयर अंडा भी एक बैठा हुआ है, ये भी खाते हैं बहुत शौक से, ये भी ना साफून इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बर्ड को हमने साफून लगा दिया, देखें बजी खा रहे हैं। उसके बाद आए आपको आगे आगे दिखाते हैं, सारे बर्ड मुँह मार रहे हैं, ये देखें वो नीचे अल्हम्दुलिल्लाह, वो आगे भी बर्ड नीचे आके वो देख सकते हैं, ये ऊपर गया है। उसके बाद वो आगे केजेस में ये भी खा रहा है, वो आगे भी देख सकते हैं, वो बर्ड भी खा रहा है, ये देखें। ले जी माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले एग हमारे पेयर सपोर्ट का पेयर है अल्बिनो रेड आइज का। अब देखिए इसमें से नहीं जी, नेक्टोन के सारे प्रोडक्ट इसके गोल्डियन के लिए जो हमने ब्रीडिंग फार्मूला बनाया है नेक्टोन ई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर नेक्स्ट व्लॉग ऑफ लरेवी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर आफियत होंगे, टाइम ज़ाया किए बगैर इतवार का दिन है। तो आज की जो रेसिपी हम अपने लबर्ड को साफून में इस्तेमाल करवा रहे हैं वो आपके साथ टोटली शेयर करते हैं, जिसमें जावा को, लबर्ड को, गोल्डियन फिंचेस को अब बॉक्स लगा दिए हैं, क्या ब्रीडिंग फार्मूला देने लगे हैं, वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। और भाई जान दो सरप्राइजेज है जो वीडियो में दिखाएंगे, अल्लाह पाक का करम हो गया है, समझ तो आप ये होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा, फन इंटरटेनमेंट और कुछ नया सीखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डाले आप एस को सब्सक्राइब कर लें, साथ आने वाले बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपरली आपको आज का फन इंटरटेनमेंट और कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्यारी प्यारी सुबह का आगाज होता है तो चिंद परिंद और हर बंदा रिजक की तलाश में होता है। तो ले जी लव बर्ड के लिए जो आज का हमने साफून तैयार करते हैं ये देखें, इसमें है पुदीना, पालक और बहुत कुछ है। मैं आपको दिखाता हूँ, बंद गोभी, आज सब्जियाँ कुछ ऐड की हैं, बंद गोभी है और कद्दू है, उसके बाद गाजर है, ये सॉफ्ट सीड है, लें जी इन सबको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ये शिमला मिर्च भी है इसमें, इसके बाद इसमें हमने बॉयल एग ऐड करने हैं, ये 10 एग का हमने मैश करके मिक्सचर जो है ना बना लिया। उसके बाद भाईजान ये ग्रिड है, ये हर्ब्स हैं, ये प्रोटेक्सिन है, ये मुरिंगा पाउडर है, ये प्राइम के अल्टरनेट है ब्रीड प्लस, ये भी मैं साथ साथ ना एक दिन कभी डी न्यूट्रिकल और एक दिन कभी ये नेक्टोन के जो कह लें कि विटामिन है सप्लीमेंट, ये मैं लेके आया हूँ गोल्डियन के लिए, ये गोल्डियन को इस्तेमाल करवाना है। इनको प्रॉपरली मेजर करके, मेजर करने के लिए हमारे पास मेजरिंग स्पून और ये नेक्टोन की डब्बी में से ही निकला था 1 ग्राम का स्पून है। तो चलें फन देखें, अभी आपको प्रॉपरली ये मिक्सअप करा के, ये तकरीबन 1 kg का जो हमारा साफून है ना उसके अंदर 4 है कि ये जाएंगे, रस का चूरा जाएगा कि इसका थोड़ा सा ना ड्राई हो जाए, नमी ख़त्म हो जाए। उसके बाद 5 ग्राम हर्ब्स हैं, 1 ग्राम प्रोटेक्टिन है, 5 ग्राम ही हमने जो है ना मुरिंगा का पाउडर डालना है और 3 से 4 ग्राम ब्रीड प्लस। तो ये हमारी आज की रेसिपी है। नहीं जी रस ऐड हो गया, अब ये अंडा, अंडा इसमें बॉयल एग ऐड हो गया। नहीं जी नेक्टोन के सारे प्रोडक्ट इसके गोल्डियन के लिए जो हमने ब्रीडिंग फार्मूला बनाया है नेक्टोन ई, नेक्टोन एक्स और नेक्टोन कैल्शियम, ये तीनों नेक्टोन के जो प्रोडक्ट हैं वो गोल्डियन को दिए हैं। इसमें साथ हमने मरिंगा, हर्ब्स और प्रोटेक्टिन ऐड की है, ये जाएगा गोल्डियन में और चेक करें क्या नफासत, क्या चीज़ बन गई है कुछ। इसी तरह इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो हमने लव। नहीं जी सब कुछ ऐड करने के बाद कुछ इस तरह की शेप आपके सामने आएगी, इनको अब डालते हैं फिर देखिएगा दमादम मस्त कलंदर। यही साफून जावा को भी देंगे, जावा को यही देंगे, वो भी ये बहुत शौक से खाएगी। तो चलें जी चलते हैं अब वन बाय वन इनको सर्व करते हैं। चलो जी
एक दो तीन चार, ये ले जी, इतने इतना हर एक को देना है। तो इसी से गजाइयत से भरपूर, ये ले जी, ये कनालियाँ वगैरह धो के रखनी है आपने, किसी किस्म का बैक्टीरिया वगैरह इस पे ना हो। ये ले जी, इसी तरह सबको लगा के आपको दिखाता हूँ कितने शौक से खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब बर्ड्स को हमने साफुड़ लगा दिया, देखें बज्जी खा रहे हैं। उसके बाद आए आपको आगे आगे दिखाते हैं, सारे बर्ड मुंह मार रहे हैं, ये देखें वो नीचे देखें, अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी बर्ड्स नीचे आके वो देख सकते हैं, ये ऊपर गया है। उसके बाद वो आगे केजेस में ये भी खा रहा है, वो आगे भी देख सकते हैं, वो बर्ड भी खा रहे हैं, ये इधर देखें ये भी खा रहे हैं, वो साथ वाले केज में भी नज़र आ रहा है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड मशगूल है खाने पीने में। तो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए सरप्राइजेज दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से लाला एवरी शेड के ऊपर लव बर्ड की ब्रीड आ गई है। तो चले, मैंने कल ही जो है ना देखा है, छोटा साध हमारा जो कहले के इधर स्नाइपर है, ये देखें ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले एग हमारे पेयर सबमिट का पेयर है अल्बाइनो रेड आइज का। अब देखिए इसमें से रेड आइज आती हैं कि ब्लैक आइज आते हैं, बहुत ही खुशी हुई कि हमने जो है ना इनको ब्रीड पे लगाया, यानी ए टू जेड तकरीबन आपके साथ मैं शेयर करता ही रहा हूँ। अब इनको पार्टी इंजॉय करने दें, आराम से खाएं पिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। ऊपर चलते हैं जावा और गोल्डियन के जो है ना लक्षण दिखाते हैं। जावा में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना सरप्राइज है, वीडियो देखते रहिएगा। आपको जावा के अंदर जो आया ना, जो लाला अभी वीडियो में कहता रहता है कि ये मेरी ब्लड लाइन है, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, प्रूफ भी देता हूँ। ये कुछ साफूड जावा के लिए, कुछ गोल्डियन के लिए, तो लेके चलते हैं ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ले जी माशाल्लाह डव का सेटअप हमने इस तरह बनाया है, अर्ली मॉर्निंग जो धूप निकलती है सारा कुछ इनको सेक के जाती है माशाल्लाह। तो चलें जी लगाते हैं सबसे पहले जावा को और सरप्राइज दिखाते हैं। चल भाई खुल जा, ये रात को छोटा सा नेस्टिंग फेंक के गया था, बल्ले बल्ले बल्ले। तो ले जी, एक दो तीन, चल भाई माशाल्लाह। सरप्राइज यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक आइज में से रेड आइज बच्चा निकल आया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी जावा जो ब्लैक आइज है, इसमें से रेड आइज बच्चा निकल आया, वेल ग्रो। तो ये रात को जो नेस्टिंग फेंकी थी ना, अच्छा क्वेश्चन था कि हम बाद में नेस्टिंग देते हैं तो अंडे या बच्चों के ऊपर तो नहीं नेस्टिंग बना देंगे, अब आप खुद ही देख लें, रात को फेंक के गए थे, अब आया हूँ तो तिनके वगैरह अंदर हैं, बच्चे ऊपर ही हैं, अभी पोटे खा रही हैं, खाएंगी और आके खिलाएंगी। तो चलें अब बढ़ते हैं गोल्डियन की तरफ। यार रोज़ कहता हूँ कि इनको जो है ना इधर शिफ्ट करना है, बस ये बेचारों का टाइम ही नहीं लगता कि इनको इधर शिफ्ट करूँ। रोज़ रात को ड्यूटी से आने के बाद जो है ना सेल पर इतने काम होते हैं, बेचारे ये रह ही जाते हैं इधर ही जो है ना अंडे दे के तोड़ रहे हैं। चलें कोई नहीं, आज इनका मान बढ़ते हैं। आज मेरे ख्याल से, हाँ आज की जो हमारी प्लानिंग है, हमने तीन चार सेटअप पे जाना है आपके लिए, बर्ड के सेटअप कवर करने जा रहे हैं। इस तरह के सेटअप है अखा मलते रह जाओगे, बीरे एजियाँ चीज़ा कितने नहीं लग रही हैं जो अब तक भरा बना जा रहे हैं। चलें अब गोल्डियन पर चलते हैं। लें जी गोल्डियन का सेटअप आ गया है, तो जैसा कि आपको पता है इनको हम साफ फूड इन बॉक्स में देते हैं, और सबको थोड़ा थोड़ा लगा के। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको लगा दिया, आप चेक करें, ये सामने ये भी खा रही है, ये भी खा रही है। उसके बाद वो मीटिंग के लिए उसे कॉल कर रहा है कि भाई आ जा। उसके बाद ये बिलू की फीमेल, ये भी खा रही है। थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ तो डर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्ड खा रहे हैं। उसके बाद ये चेक करें, ये सारे खा रहे हैं।
बर्ड को लगाना ही जो है ना सबसे मुश्किल है, उसके बाद रिस्पॉन्स आना आपको मिल जाता है। ये भी खा रहे हैं जावा का पीस, चेक करें माशाल्लाह सभी पीस खाने में मशगूल है। सॉफ्टवुड हमारे पास बच गया है, ये हम डालेंगे डब को, तो चलें डब को डालते हैं। चलें जी बढ़ते हैं, यही एंड पे जो मेरे पास थोड़ा सा बच जाता है ये मैं डब को डालता हूँ। तो डब को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें डब कितने यानी कि अच्छे तरीके से धूप सेक रही है, इसकी नेचर है। ये बच्चा है तो धूप में बैठा हुआ है, भाग गया है। तो हर एक पेयर को थोड़ा थोड़ा सॉफ्टवुड लगाते हैं ताकि वो भी जो है ना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें। ये अजीब आवाजें निकाल रहा है, ये भी खाते हैं बहुत शौक से, ये भी ना सॉफ्टवुड इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। ये देखें नीचे भी, ये देखें माशाल्लाह सब खा रहे हैं। अब नीचे आप देख सकते हैं सब जो है ना, ये बच्चे के साथ माँ खा रही है इसी के साथ, ये देखें वो भी देख। तो जी दोस्तों होप सो आपको आज का ब्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ा आया होगा। बहुत से दोस्तों की जो क्यूरीज थी वो इस चैप्टर में क्लियर होगी होगी इंशाल्लाह ताला। जैसे ही इनकी ब्रीड आएगी या जो भी एक्टिविटी इस चैट पे होती रहेगी, नए नए ब्लॉग नए नए सेटअप्स का विजिट इसी चैनल पे वक्तन फ़क्तन आपके साथ शेयर होता रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको तंदरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी से हमेशा आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके कारोबार में मज़ीद बरकतें अदा करे। तो चलें इसी के साथ इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।